Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. ओके ये है हमारे पास दिस इज स्क्रीन ओके अब यहां पर हम आज लीनियर लेआउट यूज करेंगे किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले पहले उस पर लेआउट अप्लाई करना जरूरी होता है और इस लेआउट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो यूज करते हैं ओके लास्ट टाइम अब लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लाइक आप लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं ठीक है अपनी तरफ अब हर इंसान का हर जो उसको बनाने वाला है हर डिवेलपर का जो थिंकिंग लेवल है वो अलग होता है वो उसको डिजाइन मुख्तलिफ तरीके से करेगा ठीक है लाइक कोई हॉरिजॉन्टल यूज कर सकता है कोई वर्टिकल यूज कोई कर सकता है या फिर कोई दोनों का मिक्सर लगा सकता है या फिर उसको रिलेटिव के जरिए किया जाता है ठीक हो गया बेसिकली ज्यादातर जो डिजाइनिंग है वो रिलेटिव लेआउट को जहां पर हम रिलेटिव लेआउट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वहां हम रिलेटिव लेआउट ही यूज करते हैं ज्यादा प्रेफर इसको किया जाता है वो इसलिए कि लाइक बाजू का टेस्ट होता है कि आपकी जो ऐप होती है जब वो किसी दूसरे सेलफोन पे चलती है तो उसका साइज थोड़ा आपने लेआउट जब ज्यादा यूज किए होते हैं बाजू का ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी अलाइनमेंट्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो जो रिलेटिव लेआउट है वो इस चीज में ज्यादा बेस्ट है ओके एज इसमें आपने मेंशन किया होता है कि ये चीज इसके नीचे होनी चाहिए एंड दिस वन तो ये चीज ठीक रहती है ओके नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन हियर आज हम कौन सा पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल के दिखाती हूँ उस देन फिर हम वर्टिकल करेंगे ओके यहां से मैंने इसको ड्रैग किया और यहां लाके ड्रॉप कर दिया ओके ये देखिए गाइस अब ये यहां पे कंपोनेंट ट्री में शो हो गया कि मैंने लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल यूज किया है गॉट इट अब ये देखिए मैं इसकी आईडी है आप इसको आईडी देना चाहो तो दे सकते हो नहीं भी देते तो नो इशू ओके नाउ यहां से हम लेते हैं जी आप लगा सकते हैं वो भी ले सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल लेके फिर रिलेटिव यूज कर सकते हैं यू कैन डू एवरीथिंग बस बट द थिंग इज दैट कि आपने उसको मैच पेरेंट को खत्म करेंगे फिर अभी आप ये देखेंगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने लगाना है ओके यहां से हम लेते हैं एडिट बॉक्स ओ सॉरी ठीक है अननेसेसरी जो पैडिंग सप्लाई हुई है आप उसको खत्म भी कर सकते हैं यहाँ से ठीक है एस मुझे इसकी जरूरत नहीं है सो आई एम डिलीटिंग इट ठीक है अब ये देखेंगे जो आपके अननेसेसरी पैडिंग से होती है ऑटोमेटिकली आ जाती है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं ओके नाउ अब ऐसा है कि हम टेक्स्ट व्यू पे थे यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट व्यू अप्लाई किया ये उसके अंदर टेक्स्ट है
ओके हेडिंग्स अप्लाई करते हैं हम इस पे। ओके एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज ठीक है। अब ये देखिए हम लास्ट टाइम मैंने यहां से किया था, अब मैं इसकी बैक साइड से कर रही हूँ कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी देन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से एट्रीब्यूट कहाँ पे लगने हैं। ओके ओके गाइस सेम लाइक दैट वी अप्लाई NDP एनी इश्यू यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके ओके दिस इज द टैक्स दिस इज द वेट दिस इज द हाइट एंड दिस इज वेट एंड दिस इज टैक्स साइज। ओके अगर आप इसका टैक्स कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको ऑफसेट पता है तो आप यहां से भी उसका कलर सेट कर सकते हैं। ओके अदरवाइज क्लिक ऑन इट एंड व्यू ऑल प्रॉपर्टीज ओके मैं आपको बताती हूँ कि वेट क्या होता है। नहीं नहीं ये आप क्वेश्चन जो है मैं आपको बताती हूँ, ग्रेविटी सेट कर सकते हैं आप इसके लिए। न्यू स्क्रीन जो ओपन हुई है वो आपको शो हो रही है। ओके दैट्स फाइन। ओके अब मैं नेक्स्ट क्या करने लगी हूँ, अभी मैंने कौन सा लेआउट लिया था, हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज किया हुआ है। मेरे पॉइंट पे गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ओके नाउ यहां से मैंने प्लेन टेक्स्ट लिया और मैं इसके नीचे लगाना चाह रही हूँ ये देखें ठीक है। अब ये देखें ये इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है। ये इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह यही है कि ये इसके नीचे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब हम इसके नीचे लगा देंगे तो ये वर्टिकल फॉर्म बन रही है। राइट गॉट इट। ओके सो इस इशू के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं करने लगी हूं यहां से। आपको ये पॉइंट समझ लगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। ठीक है तो अब मैंने इसके नीचे टेक्स्ट लगाना है, अपना नीचे एडिट बॉक्स लगाना है या नीचे टेक्स्ट व्यू लगाना है। तो जब मैं नीचे लगाऊंगी तो वो वर्टिकल फॉर्म बन जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल में अलाउड नहीं होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इतने हिस्से को रैप कर दूंगी। ओके इसकी हाइट को मैं क्या कर दूंगी, रैप कर दूंगी ये देखें ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां से इतना हिस्सा जो है ना उस पर हॉरिजॉन्टल लेआउट लगा हुआ है और नीचे वाली सारी स्पेस फ्री है। अब वहां पे आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हो। ओके ठीक है अब ये मैंने इसको रैप कर दिए।
ठीक है, अभी देखिए मैं सिर्फ क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से मैच विड्थ इसकी मैच पेरेंट है और हाइट इसकी क्या है रैप है। ओके, अब टेक्स्ट व्यू पे आते हैं हम। ठीक है, लेट्स सपोज के टेक्स्ट व्यू का मैं क्या करती हूँ, हाइट इसकी मैं मैच पेरेंट कर देती हूँ, देन जब आप इसकी मैच प्रिंट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से जगह रिसीव्ड हो जाएगी। तो बेसिक चीज बताने की ये कि जब आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं और आप एक नेक्स्ट चीज अप्लाई करने लगे तो उसके लेआउट्स का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये देखें, लाइक ये था तो हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया था तो उसके नीचे हम वर्टिकल अगर लगाएंगे तो वर्टिकल बन जाएगा। डैश रैप इसको क्या करना पड़ा, इसको हमने रैप कर दिया। जब हम इसको रैप कर देंगे तो इसके नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ओके नाउ, अब ऐसा है कि अभी तो हॉरिजॉन्टल हुआ, अब इसी तरह से मैं एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट लगा लेती हूँ। अब यही काम देखिए हमने रिलेटिव लेआउट से कितनी आसानी से कर लिया था, हमें बार बार ये लेआउट्स नहीं सेट करने पड़े थे। ओके, सो दैट्स द पॉइंट कि जहां पर आपको कम एफर्ट करनी पड़े आपने उस चीज को अवेल करना है। यहां से हम हॉरिजॉन्टल को उठाया और यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब ये देखें, ये मैच पेरेंट हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसके नीचे से हो रहा है। क्यों इसके नीचे से हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाली जगह जो हमने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेआउट लगाया था उसके लिए रिजर्व है और नीचे वाली खाली थी, वहां पर ये आ गया। गॉट इट, ये देखें ये फर्स्ट यहां तक कंप्लीट हो गया, देन फिर ये नेक्स्ट वाले पे हमने लगाया। ओके, एनी इशू? अगर आप ये आईडीज नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। वन सेकेंड, और इसकी जो बाकी की है जो अलाइनमेंट्स लगी हुई है उसको भी आपको दे, ताकि आपकी प्रॉपर जो है वो हो जाए। लेआउट लाइन, पेरेंट लाइन, लेफ्ट पेरेंट लाइन, स्टार्ट, दिस इज। ठीक है, ये थोड़ी सी जो स्पेस यहाँ पे आ रही है आप अगर इसको भी मिटाना चाहते हैं देन यू हैव टू रिमूव इट। ओके, ये पता है कब क्रिएट होती है, ये इस तरह से क्रिएट होती है कि लाइक आप उसको जब मूव कर रहे होते हैं ना तो जहां जाके छोड़ते हैं वो उसी के लिहाज से भी तमाम अलाइनमेंट्स को सेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेआउट फर्स्ट वन, और इसमें हमने ये टेक्स्ट व्यू यूज किया हुआ है। उसके बाद ये हमने सेकंड लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट लगा दिया। ठीक है, अब इसमें हम फिर से कोई एडिट बॉक्स ले लेते हैं। Sorry. ये टेक्स्ट व्यू हम ले आए यहाँ पे, दिस वन, और इसमें भी हम इसी तरह से इसको अप्लाई करते हैं। कंट्रोल सी, ये हमारे सेकंड वन है। कंट्रोल, ये भी लेआउट के नीचे आ गया। इसका टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, सेम आईडीज नहीं हो सकती हैं, आईडीज हमेशा डिफरेंट होती हैं। ओके, यू राइट योर नेम, एंटर, एनी इशू? ठीक है, एंटर नेम। ओके, अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे,
इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, एक एडिट बॉक्स लगा लेंगे। अब ये देखिए इसके नीचे नहीं लग रहे है ना, वो इसी वजह से नहीं लग रहे है क्योंकि यहाँ पे कौन सा हमने लेआउट अप्लाई किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया हुआ है। सो हम इसको रैप कर देंगे। ओके ठीक है, ये हमारे पास नेम हो गया। अब हम इसके नीचे एडिट बॉक्स अप्लाई करते हैं। सॉरी, ओके अब एडिट बॉक्स अप्लाई करने के भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लेआउट अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसके नीचे वर्टिकल लेआउट अप्लाई कर देती हूँ, ओके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हॉरिजॉन्टल कैसे अप्लाई करते हैं, वर्टिकल कैसे अप्लाई करते हैं। एनी इशू, ये मैंने इस वक्त कौन सा लेआउट लिए, एनीवन नो? ओके, नीचे रिलेटिव लेआउट कौन लेता है? नीचे रिलेटिव लेआउट नहीं लिया है, ये देखे मैं आपको बताती हूँ, सॉरी मैंने चैट नहीं देखी। ये देखें, अब मेरी बात सुने, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जब आपने ये लेआउट क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या था, आपका रिलेटिव लेआउट सिलेक्ट था, ओके, क्योंकि आज हम किसके साथ काम करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक लीनियर लेआउट ले लिया, जैसे जैसे मैं जो भी चीज यूज कर रही हूँ वो इसके अंदर एंटर होता जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका रिलेटिव लेआउट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ओके। ओके, एनी क्वेश्चन? अली आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, कोई क्यूरी हो आप काइंडली साथ साथ पूछें, ओके। नाउ लीनियर लेआउट, ये देखें मेरी बात सुने, मैं आपको फिर से ना ये थोड़ा सा फॉर्मेट समझाती हूँ आपको। ये देखें, इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, ताकि इसको भी डिलीट करते हैं, ताकि मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो, आपने प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर की, कंट्रोल एक्स। अब देखें, ओके, ये देखें, ये आपके पास है एक्सएमएल फाइल, इसका डिजाइन देखें आप। इस वक्त क्या यहाँ डिजाइन में कुछ शो हो रहा है, ये सेम वही स्क्रीन आ गई है जो कि बिल्कुल शुरू में आई थी, ऐसे ही है। मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि जब आप कोई लेआउट बनाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट सिलेक्ट हुआ है, ओके, That's the thing. Okay? ये मैं इसकी पैडिंग भी खत्म कर देती हूँ क्योंकि ये लें जी, ओके, एनी इशू? ठीक है, अब समझ लग गया है कि ये किस तरह से आया रिलेटिव लेआउट। आगे कंटिन्यू करूं? उसके बाद मैंने क्या किया, आज हमारा लेक्चर है लीनियर लेआउट वर्टिकल पे, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल पे, ओके, तो वो हमने अप्लाई किया दिस वन।
पहले हमने क्या किया, एक लीनियर लेआउट ले लिया हॉरिजॉन्टल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसमें हमने क्या यूज कर लिया, टेक्स्ट व्यू यूज किया एक, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टल लिया था, इसके नीचे हम कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि अगर इसके नीचे लगाएंगे तो वो वर्टिकल हो जाएगी शेप। वर्टिकल कहते हैं ना जो कि वाई एक्सिस के की तरह होती है, वाई एक्सिस का आपको पता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है, वाई जो परपेंडिकुलर होती है दैट इज वाई एक्सिस, ओके। उसके बाद जी हमारे पास ये लीनियर लेआउट, ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट व्यू आ गया। हमने एक और लेआउट अप्लाई किया, लेआउट अप्लाई करने के बाद उसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू यूज कर लिया, ठीक है, एंटर नेम लिखा और फिर से इसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम नेक्स्ट रो लगाना चाह रहे थे, अगर हम इसको बंद नहीं करते तो वो सब कुछ हॉरिजॉन्टली ही लगना था, वर्टिकल नहीं लगना था, ओके। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने कौन सा लेआउट ले लिया, ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वर्टिकल लेआउट ले लूंगी। एनी इशू? You can ask if you have any type of issue. ओके, ओके गाइस, आगे चलते हैं। अब हम यहां तक हो गया कि लीनियर लेआउट आपने हॉरिजॉन्टल यूज कर लिया, अब हम लीनियर लेआउट वर्टिकल यूज करने लगे हैं। ये रैप कंटेंट का, इसका आपको समझ आ गया? ये देखिए, अगर मैं इसको रैप कर देती हूँ तो ये दोबारा उसी तरह से हो जाता है। ओके, नाउ यूज एनी अदर थिंग लाइक I am using edit box. अब ये देखें, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, डैश से ये इसके ऊपर जा रहा है। ओके, एंड्रॉइड
ओके ये हम हिंट अप्लाई करेंगे इस पे। हिंट आप लेट्स सपोज आप यहाँ पे लाइक आपने देखा होगा जब आप डिफरेंट एफबीज के साइन अप पेजेस को या दूसरी चीजों को विजिट करते हैं तो वहां पे एडिट बॉक्स के ऊपर ग्रे कलर का छोटा सा शो हो रहा होता है, ठीक है, तो जब आप टाइप करते हैं तो वो इनविजिबल हो जाता है, तो दैट थिंग इज नोन एज हिंट। ओके हिंट का कलर आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।